दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैंने वाइकिंग्स पर अपनी 3 वीडियो बनाई है और ये मेरी 4th वीडियो है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर इसी टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। दोस्तों जब से मैंने वाइकिंग्स वेब सीरीज को देखा है उनके बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक हूँ कि मैंने इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा। हम पिछली वीडियोज में वाइकिंग्स के ट्रेलर, रिव्यू और एंडिंग के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वाइकिंग्स सच में ऐसे थे खानाबदोश टाइप जैसे कि वेब सीरीज में दिखाया गया है या नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है निशांत, इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त, अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम जानेंगे वाइकिंग्स के बारे में 15 रोचक तथ्य। आप सभी को वीडियो को देखकर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बस आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो फिर दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। वाइकिंग्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे? वाइकिंग्स यूरोप भर में युद्ध और व्यापार करते हुए फैले और आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यू फिनलैंड, पूर्वी कनाडा तक जा पहुँचे। वाइकिंग्स ने अपनी राजधानी किसे बनाया? वाइकिंग्स ने अपनी राजधानी कैटेगेट को बनाया, जो हमें वेब सीरीज को देखने पर पता लगता है। कैटेगेट स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच एक छोटा सा द्वीप है। वाइकिंग्स किन्हें कहा जाता है? वाइकिंग्स 7वीं सदी से 11वीं सदी में उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को कहा जाता था जो सिपाही, व्यापारी, समुद्री डाकू या खोज यात्री बनकर यूरोप और उत्तरी अंटार्कटिका द्वीपों में जाते थे और वहां पर जाकर अक्सर बस जाते थे। उनकी नौकाओं को कौन भूल सकता है, जो हमें वेब सीरीज में देखने को मिलती है जब फ्लोकी रैगनार के लिए नौका बनाता है। वह अपनी लंबी नौकाओं में कस्तुनिया, रूस जो रशिया है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्पेन आदि जाते थे। वह वहां पर जाकर शहरों, प्रांतों पर धावा बोलते थे और उनके धन, संपत्ति और कभी कभी स्त्रियों और बच्चों को भी उठाकर ले जाते थे। क्या वाइकिंग्स खूनी थे? माना जाता है कि वाइकिंग्स का उदय डेनमार्क से हुआ। वे गरीब थे, छोटे छोटे कच्चे घरों में जैसे तैसे जीवन बसर करते थे, खेती ही उनके जीवन का सहारा थी। पहले वे खून के प्यासे नहीं थे, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। खेती के अलावा मछलियां पकड़ना उनकी जीविका का दूसरा बड़ा जरिया था। वह नाव चलाने में माहिर थे। वाइकिंग्स ने सबसे पहला हमला किस पर किया? वाइकिंग्स ने अपनी लूट के लिए इंग्लैंड को चुना। उनके निशाने पर ईसाई मठ था। उन्होंने वहां तहलका मचा दिया, जिससे इंग्लैंड में वाइकिंग्स का खौफ छा गया। क्या वाइकिंग्स मानव तस्करी करते थे? धीरे धीरे वाइकिंग्स लुटेरों की तरह नहीं बल्कि एक हत्यारे समूह के तौर पर जाने जाने लगे। पहले वे आसपास की जगह को ही लूटा करते थे, लेकिन बाद में वह अनजाने देशों तक पहुँचने लगे, जैसे रशिया, फ्रांस। अमेरिका की खोज किसने करी? कहा तो ये जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, लेकिन कोलंबस से पहले वाइकिंग्स अमेरिका के समुद्री तट तक पहुंच चुके थे। वाइकिंग्स किस धर्म को मानते थे? वाइकिंग्स ओडिन, थोर, फ्रेया आदि नॉर्स देवी देवताओं को मानते थे। वह बलि देकर भगवान को खुश करना मानते थे। वह मानते थे कि उनका भगवान हर जगह है। ईसाइयों को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, लेकिन बाद में विट्सर्क और रैगनार के भाई रोलो ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। वाइकिंग्स के लिए स्वर्ग क्या था? वाइकिंग्स वेलहेला को स्वर्ग बोलते थे। जब किसी वाइकिंग की मृत्यु होती थी तो वह कहते थे कि ओडिन, थोर उनका वेलहेला में स्वागत कर रहे हैं। क्या वाइकिंग्स तंत्र मंत्र जादू में विश्वास करते थे? इसका जवाब होगा जी हाँ, वाइकिंग्स तंत्र मंत्र जादू में विश्वास करते थे। यह हमें वेब सीरीज में देखने को भी मिलता है। वाइकिंग्स का सबसे पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था और सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वाइकिंग्स का सबसे पहला राजा लाइफ एरिक्सन था, अंतिम राजा हेराल्ड सिगर्डसन था और वाइकिंग का सबसे प्रसिद्ध राजा रैगनार्थ लॉरब्रुक था। क्या वाइकिंग्स कभी इंडिया आए थे? इसका जवाब होगा जी नहीं, वाइकिंग्स कभी इंडिया नहीं आए। वाइकिंग्स के क्या क्या हथियार थे? वाइकिंग्स के प्रमुख हथियार थे कुल्हाड़ी, भाला और कवच। इन्हीं के द्वारा वह लड़ाइयाँ लड़ते थे। वाइकिंग्स कौन सी भाषा बोला करते थे? वाइकिंग्स ओल्ड नॉर्सिक, ओल्ड नॉर्डिक और ओल्ड स्कैंडिनेवियन भाषा बोला करते थे, जो नॉर्वे की भाषाएं हैं। साथ ही साथ वह ओल्ड जर्मनिक भाषा भी बोलते थे।
वाइकिंग्स का शासन कैसे खत्म हुआ। वाइकिंग्स का दुश्मन ताकतवर हो चुका था, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह इंग्लैंड के राजा एल्फ्रेड से बार बार हारने के बाद लड़ने आते रहे और इसी कारण वह कमजोर होते गए और मरते रहे। अंत में उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि यह उनकी आखिरी जंग होगी और उन्होंने इंग्लैंड के राजा एल्फ्रेड के साथ लड़ाई शुरू कर दी। वाइकिंग्स ने कोशिश बहुत की लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जंग खत्म करने के लिए इंग्लैंड के राजा एल्फ्रेड ने वाइकिंग्स के राजा आइवर को जंग में मार डाला। उस दिन से वाइकिंग्स का शासन खत्म हो गया। दोस्तों, ये तो थे कुछ रोचक तथ्य जो हमने जाने। अगर कुछ हमने नहीं जाने होंगे तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।